एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है तो वहीं नेपाल और भारत के रिश्तों में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर कस्टम एजेंटों का हड़ताल भी शुरू हो गया था, जिसको लेके एजेंटों का कहना था कि नेपाल के भंसार में हम लोगों को अपनी गाड़ी पास करने हेतु नेपाल जाने से रोका जा रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका सोनौली के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर त्रिपाठी ने कस्टम एजेंटों के समर्थन करते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात कर कस्टम एजेंटों के हड़ताल को खत्म कराया और उनकी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की भी बात कही। हमारे भारत के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे थे, उनकी जो मांग थी कि हम लोगों को नेपाल भंसार पे नहीं जाने दिया जा रहा है, आज इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नौतनवा, हम हमारे चौकी इंचार्ज साहब और 5 हमारे ट्रांसपोर्ट समिति के लोग सवेरे चीफ कस्टम से मिलने का काम किए और अपनी मांग को रखने का काम किए। अब उनके यहाँ अभी माननीय विधायक जी संतोष पांडे जी और हम हमारे चौकी इंचार्ज साहब, एसओ साहब और ट्रांसपोर्ट के लोग प्रतिनिधि लोग गए थे। हम लोगों ने अपनी बात को रखा, उनका कहना था कि हम जो पास आप लोग लिस्ट बना करके दीजिए, फोटो दीजिए, हम पास जारी करेंगे, उस हिसाब से एक एक करके आइए। हम लोगों ने चीफ से इस बात को कहा, माननीय विधायक जी से कहा कि हम लोगों को असुविधा होगी, मान्यवर जो नेपाल भंसार ने हमारे एजेंट भाइयों को कार्ड जारी किया है पहले से, जो अपना गाड़ी उनकी जाती थी वो पास कराने के लिए जाते थे, अगर उन्हीं को पास मान करके हमारे एजेंट भाइयों को नेपाल होकर के चौकी होकर के अब भंसार पे जाने की इजाज़त दे दिया जाए, तो इससे हमारे इंडिया के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो हमारे एजेंट हैं, उनको गाड़ी पास कराने में सहूलियत हो। कस्टम एजेंटों की समस्याओं का समाधान करने में सभी प्रशासनिक अधिकारी और विधायक का सुधीर त्रिपाठी ने तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत किया। तो वहीं इस विषय पर विधायक ने क्या कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ये समस्या आता नहीं, लेकिन मुझे लगता है महामारी के नाते एक नए हिसाब से दोनों देश के नागरिक का आने जाने के समय में जो ये काफ़ी हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मिलाया है, इस नाते ऐसा हुआ है। और कल से मुझे पता चल रहा था, मुझे चेयरमैन साहब ने कल भी शाम को यहाँ कहा था और कल सुबह यहाँ के हमारे जो आपके ट्रांसपोर्टर्स मित्र लोग हैं उन लोगों ने मुझे ज्ञापन पत्र दिया भी था, तो मैंने मेरे CDO को बोला था कि ये आने जाने का जो मसला है इस पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, अगर उनको असुविधाएँ होती हैं तो उसका समाधान करने का दायित्व तो हमारा है। तो आज हम लोगों ने एक बैठक जो किया, इधर के चेयरमैन साहब, हमारे सुधीर त्रिपाठी जी और आपके जो प्रशासनिक निकाय के व्यक्ति हैं, हमारे इंस्पेक्टर, हमारा वो आपका सशस्त्र का DSP और हमारे कस्टम चीफ, तो मैंने वो शाम को इस CDO को ऐसे मनोस्थिति बनाने के लिए कहा था कि आप ये चीज़ सोचिएगा, वो लोग इतने मेहनत के साथ उस गाड़ी को ले आना और नेपाल पहुंचाना और सहज बना देना और हमको सामान पहुंचाना, इस नाते इस चीज़ में सकारात्मक रहिएगा और आप बोलिएगा जैसे उन लोगों का जो इच्छा करेंगे, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किया जाए, क्योंकि ये सभी के लिए है। जो महामारी आया है वो किसी एजेंट को, किसी माननीय विधायक को या चेयरमैन को नहीं पहचानता है, इस नाते इसमें सकारात्मक के भी हम लोग बात करके निकले। तो बात करते समय बात हुआ था कि हम लोग नया कुछ एक परिचय पत्र बनाने का बात हुआ था वहाँ पे, तो आते उतरते उतरते समय उस सीढ़ी से आते समय हमको चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, जो पुराना कार्ड है उसी को इशू किया जाए। तो यहाँ आने के बाद जो बात हुआ तो और लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, तो सीढ़ी साहब से मैंने बोला कि अभी दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होने तक हमारे जितने यहाँ के एजेंट मित्र हैं वो जो कार्ड उनको इशू किया गया उसी कार्ड पर जाएंगे। और मेरा आप लोगों से आग्रह है इस मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में कि आप सभी ने जो प्रयास किया और हमारे चेयरमैन साहब ने सभी ने इसके लिए धन्यवाद दिया, और आग्रह क्या है कि ये चीज़ सभी के लिए है, जो ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इसे आप कर दीजिएगा, बाकी कोई समस्या आएगा उसका समाधान हम करेंगे। JJV न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।